जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी बढ़िया होंगे। फिर से स्वागत हो गया गाइस आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनपुट लाइफ एलटेक में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले साउथ अफ्रीका वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में जो सेकेंड ओडीआई मैच होने वाला है। तो दोस्तों इस मैच में भाई बता दूं आपको जो फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है 15 लाख का, ठीक है। तो 15 लाख हम कैसे जीतेंगे, जब दोस्तों आप ये वीडियोस को देखेंगे तभी दोस्तों जीतना आसान होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो है प्लेयर का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस सब कुछ मिलता है, और जो मेरे प्रेडिक्शन होते हैं बिल्कुल फायर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे लगातार उस प्रकार से जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ अच्छा खासा दोस्तों हम प्रॉफिट कर रहे हैं। और देखिए जो भाई यहाँ पे विन करने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी मेरे भाई। आप लोग मुझे फॉलो करके रखेंगे, 110% मैं कह सकता हूँ कि आपका विन जरूर होगा, बट थोड़ी सी आपको मेरे साथ साथ मेहनत करनी होगी, वीडियोस देखना होगा। और कुछ ट्रंप प्लेयर यहाँ पे दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको बता दूंगा ये आपके बहुत ही काम आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिया तो हूँ कितने परसेंट लोग इस मैच में रखने वाले भाई, 12% लोग, ठीक है। और आपने देखा रिसेंट यहाँ पे जो सेकेंड इनिंग ये बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है, सेकेंड इनिंग ये बॉलिंग कर रही थी और आपने देखा कोई विकेट इनको नहीं मिली, तो इसलिए दोस्तों इन्होंने आपने देखा कि इनको जो 12% लोग रखे हैं। बट अगर दोस्तों यहाँ पे पहले इनिंग बॉलिंग कराएंगे, देखिए इनका परफॉर्मेंस 29 मैचेस में 50 विकेट जो रिकॉर्ड है गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, इनको क्या करेंगे ड्रॉप ही करना है उनको, मतलब ड्रॉप करके ही चलने वाले सभी लोग। बट दोस्तों इसका फायदा आप उठा सकते हैं, वो भी फर्स्ट इनिंग में। ऐसे दोस्तों कई सारे मैं आपको जो कि काफी अच्छे अच्छे प्लेयर जो कि बताने वाला, जो कि ट्रंप रहने वाले, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देखिए क्लास को, ठीक है, इसको सभी लोग रखे, रिसेंट यहाँ पे 3 विकेट ये लेकर के चल रहे हैं, वो भी फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करते हुए, जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहे थे गाइस, जिसमें अगर हम इनका रिकॉर्ड देखते गए, देखिए फर्स्ट इनिंग में 27 में 38 विकेट, मतलब यहाँ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा था, फर्स्ट इनिंग उन्होंने बॉलिंग कराई 3 विकेट निकाली। बट दोस्तों अगर ये सेकंड इनिंग बॉलिंग कराएंगे साउथ अफ्रीका में, सेकंड बॉलिंग करते गए तो क्या रिकॉर्ड होगा, 64% लोग टीम में रहे और 28 मैचेस दोस्तों 27 विकेटें ले रही है सेकंड इनिंग से भी बॉलिंग कराते गए। तो इस प्रकार के बड़े प्लेयर, देखिए बड़ा प्लेयर है और ये फ्लॉप हो सकते हैं, यहाँ पे छोटा प्लेयर आपके लिए ट्रंप हो सकता है, तो इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ दोस्तों आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है भाई, आपको कोई हराने वाला फिर पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप टीम देखते गए तो टीम ज्यादा मैटर नहीं करती, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको वीडियोस को देना होता तभी आप अच्छे तरीके से विन कर पाएंगे। ये मैच सेकंड ओडीआई है 28 सितंबर इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 1 बजे दोस्तों दोपहर में खेला जाएगा। तो आगे बढ़ते गए, यहाँ पे जो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, यहाँ पे क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट के अपडेट आफ्टर टॉस वाले सब कुछ यहीं पर मिल जाता है, क्लियर तरीके से समझा देता हूँ गाइस आपको। तो ज्वाइन करिए फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, आपको सर्च करके बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना, और मेरे नाम से कोई 1 रुपए भी दोस्तों, ठीक है, या तो 8 रुपए भी आपसे मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देने का, ध्यान रखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। और कोई अगर पैसे मांगता है जहां पर भी दोस्तों आप मेरे नाम से, तो बिल्कुल आप उसको क्विट कर जाइए, बिल्कुल ही बाहर आ जाइए वहां से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जो यहां पर पिच रिपोर्ट रहने वाली है किस हिसाब से, देखिए दोस्तों आपको बता दूं पिच जो रहने वाली ना भाई, यहां पर वुमेन्स ओडीआई का पहला मैच खेले जाने वाला, जो कि पिच आपको पता है सिटी ओवल क्रिकेट ग्राउंड, जो कि पीटर मैटिसबर्ग में दोस्तों पड़ती है, ठीक है। तो आपको बता दूं पहला ओडीआई मैच होगा वुमेन्स का, यहाँ पे 2 ODI मैच जो कि मेंस के खेले गए, क्या किस हिसाब से वहां पे बैटिंग या बॉलिंग हुई थी गई उसके बारे में आपको बता दूं। बट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है, ये देखिए फास्ट बॉलर्स के लिए काफी अच्छा हेल्प यहाँ पे मिलने वाला है। और दोस्तों थोड़ी सी बाउंड्री अगर हम बात करें तो शॉर्ट रहने वाली है, ठीक है, बाउंड्री शॉर्ट रहने वाली, तो यहाँ पे स्कोर भी ठीक ठाक बन सकता है, मतलब बैट्समैन जो कि अगर हम बात करें बैट्समैन को काफी अच्छी हेल्प मिलेगी और पेसर बॉलर्स को एडवांटेज यहाँ पे दोस्तों इस पिच पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला ओडीआई मैच जो कि वुमेन्स का होने वाला है गाइस। तो यहाँ पे 2 मैच जो कि मेंस के खेले गए, देखिए मैटर नहीं करेंगे और इसको हम इंक्लूड भी नहीं कर सकते और ना ही दोस्तों कंपेयर कर सकते, बट दोस्तों इससे थोड़ी बहुत हम हेल्प ले सकते हैं, जिसमें जो 2 ODI मैच खेले गए थे तो एक टीम जो पहले बैटिंग करी उसने विन किया था और चेस करने वाली टीम ने दोस्तों विन किया था, स्कोर यहाँ पे 218 का रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हुए, और 311 का यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर बनाया गया, लोएस्ट यहाँ पे 124 का बना हुआ है। स्कोरिंग पैड है दोस्तों आप समझिए 200 यहाँ पे एक बार बना हुआ है एंड 200 से 249 एक भी बार नहीं, और यहाँ पे 300 भी एक बार बन चुका है गाइस। गाइस मैं आपको यही कहूंगा बिल्कुल कम शब्दों में, ये पिच बैटिंग के फेवर में जाएगी और यहाँ पे पेसर को काफी एडवांटेज भी लगा, पहला ओडीआई मैच है, किस हिसाब से हम यहाँ पे टीम बनाएंगे इस पिच को देखते हुए या तो क्या स्टैट्स वगैरह वो बात करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई आप लोग यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों तरफ से देख लीजिए, कौन सा बैट्समैन कहाँ पे बैटिंग करने आएगा। यहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेन्स की तरफ से आप देख सकते हैं ओपनिंग, फिर तीसरे नंबर चौथे नंबर पर कौन सा प्लेयर यहाँ पे बैटिंग करने आएगा, उसके बाद दोस्तों मैं बॉलिंग ऑर्डर भी आपको बताऊंगा कौन सा बॉलर कहाँ पे ओवर कराने आएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड वुमेन्स का भी दोस्तों आप लोग जो है बैटिंग ऑर्डर क्लियर कर लीजिए कि हिसाब से यहाँ पे कौन सा बैट्समैन कहाँ पे बैटिंग करने वाला है। आगे बढ़ रहे थे गाइस, यहाँ पे बात करेंगे जो और इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाले हैं फिलहाल मैच से रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं
साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम की तरफ से हमें किन किन प्लेयर को अपने टीम में रखना होगा। ओपनिंग बैट्समैन गाइस यहां पे आपको लॉरा ओडवार्ड जो कि कैप्टन है टीम की राइट हैंड बैट्समैन है, इनके साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आपको टैस्मैन ब्रिट जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। अगर हम बात करें ओडवार्ड की गाइस, देखिए रिसेंट इन्होंने जो ओडीआई की पारी खेली कुछ मैचेस का परफॉर्मेंस यहाँ पे रखा 27 IS 89 43 और यहाँ पे 55 56 और यहाँ पे 50 की, तो रिसेंट ही इन्होंने गेम्स में रन बनाया गाइस। तो आपको बता दो गाइस यहाँ पे ये कब रन बनाई, तो थोड़ा सा आपको समझा दूंगा जिससे कि आपको वीडियोस देखने में भी मजा आए गाइस, टीम बनाने में भी और आप समझ भी पाएगा। देखिए यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका टीम अभी रिसेंट जो पहला ओडीआई मैच खेली थी उसने भाई यहाँ पे चेस करते हुए अब मैच में खेला था गाइस, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे चेस करते हुए इन्होंने 4 ही रन बनाया था और लॉरा ओडवार्ड ने 50 रन बनाया गाइस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी मेरे भाई और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और प्लेयर का सिलेक्शन भी कर पाएंगे गाइस। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे देखिए ओडवार्ड जो कि रिसेंट अगर देखेंगे तो अच्छी बारी खेल रही है और ये अच्छा प्लस भी है गाइस, गेंस 5 मैच खेल चुकी है, 234 रन 58 का एवरेज स्कोर है जो कि न्यूजीलैंड की गाइस, तो काफी अच्छा ही कह सकते हैं 58 का एवरेज स्कोर, मतलब मान के चलिए गाइस यहाँ पे मेंस ओडीआई जो होते हैं मेंस प्लेयर होते हैं गाइस क्रिकेटर, तो वहां पे वो भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते गाइस, तो आप मान के चलिए यहाँ पे इनसे फिर आप अच्छा रन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ग्राउंड पर दोस्तों पहला ही मैच होगा, फर्स्ट इनिंग 32 के ओवर से बैटिंग करते, सेकंड 233 और यहाँ पे 89% लोग इनको अपनी टीम में रखने गाइस, बट कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत कम लोग रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलराउंडर की तरफ सभी लोग जाने वाले हैं। बट दोस्तों मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ बैटिंग के फेवर में और फिलहाल जो कि शॉर्ट बाउंड्री में दोनों तरफ से अच्छा स्कोर भी कर रही है, अगर आप स्मॉल लीग के प्लेयर हैं गाइस, ठीक है हेड टू हेड के प्लेयर हैं गाइस 2-3 लोगों वाले, तो यार कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इस प्लेयर के साथ जो है दोस्तों जा सकते हैं। टैस्मैन ब्रिट की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट देखिए इन्होंने 4 रन की पारी खेली, अगर आप ओडीआई कुछ मैचेस की बात करते हैं 32 45 17 1 18 23 2 8 20 18 गाइस, मतलब कहीं ना कहीं आपको एवरेज रन बना के दे रहे हैं, ना ही दोस्तों उतना ज्यादा है कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप पिक करें और ना ही दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्लॉप है कि सभी मैचेस से हम ड्रॉप कर पाएंगे। अगेंस्ट 2 मैच हो चुके हैं, 22 रन है जो कि साउथ अफ्रीका वुमेन्स की जो प्लेयर मिल रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में 11 के स्कोर से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड दोस्तों ये भी पहला मैच खेलेंगे आपको पता है, एंड फर्स्ट इनिंग 20 के ओवर से बैटिंग करते, सेकंड दोस्तों 28 के ओवर से बैटिंग करते, 19% लोग इनको अपनी टीम में रखने वाले गाइस। तो मैं कहूंगा देखिए सेकंड में अच्छा स्कोर इनका रिकॉर्ड है फिर भी ये कुछ खास कर नहीं पाए, तो उम्मीद है ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों इनसे हम कम करेंगे, बाकी अगर आप छोटे टीम बनाते हैं गाइस स्मॉल लेवल हेड टू हेड तो गाइस वहां पे इस प्रकार के प्लेयर काफी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे देखते हैं हाईएस्ट 45 की पारी 32 की पारी 23 और 7 से दोस्तों ये ओपनिंग बैट्समैन है गाइस, ये आपको समझना होगा। अगर आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड खेलते हैं गाइस कम लोगों वाली टीम बनाते हैं तो फिर आपके लिए ये ट्रंप होगी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए गाइस। वन डाउन बैट्समैन की बात करेंगे यहां पे आपको मिलने वाले गाइस जो कि लारा गुडडैल गाइस, ठीक है थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक एंड राइट लेफ्ट बैट्समैन है गाइस। अगर हम बात करें इनकी ओडीआई पारी जो इन्होंने खेली 28 की हाईएस्ट देखिए दोस्तों यहां पे 32 भी 93 रन भी बना रही है वो भी नट आउट होकर के, एंड 18 24 6 5 15 36 और 13 2 मतलब ये हाईएस्ट स्कोर भी कर सकते हैं गाइस। बट अगर देखेंगे जो न्यूजीलैंड के गेस में इन्होंने 2 मैचेस के लिए 2 मैच में 27 रन बनाए, चेस करते हुए आपने देखा 2 रन बनाई थी, मतलब कि फ्लॉप हुई गई यहाँ पे। एंड जो वेन्यू पे पहला मैच है फर्स्ट इनिंग 18 के ओवर से बैटिंग के, सेकंड दोस्तों 32 और यहाँ पे ओनली 1% लोग इनको अपनी टीम में रखने वाले गए क्योंकि इनका स्कोर यहाँ पे खराब हो, बट इस प्लेयर के भी ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हाई स्कोर, बट यहाँ पे चेस करते हुए ये फ्लॉप हुई है, ये भी आप ग्रैंड लीग लेकर बताऊंगा तो देखिए अच्छा स्कोर कर सकते हैं एवरेज रन यहाँ पे दोस्तों। अगर आप कुछ मैचेस की बात करें ओडीआई की, देखिए आप 13 36 15 24 और यहाँ पे 93 भी है 18 32 28, तो मतलब कि एवरेज रन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों कैप्टन वाइज कैप्टन नहीं, बाकी इन जैसे प्लेयर को दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं ट्रम्प के तौर पे, जीएल के लिए थोड़ा सा रिस्की होंगी बट स्मॉल लीग हेडफुट के लिए तो कंफर्म प्लेयर हो सकते हैं। सुनील उसकी बात करते हैं राइट बैट्समैन है, रिसेंट ओडीआई दोस्तों देखिए शतक लगा क्या यहाँ पे 93 का हाईएस है, बाकी यही 2 हाईएस है, बाकी यहाँ पे 21 और 22 की गाइस पारी है, तो मतलब कभी कभी बल्ला चलता है गाइस तो बहुत खतरनाक चलता है। अगेंस्ट बहुत अच्छा रन बना रहे न्यूजीलैंड के, 8 मैच में 167 रन 27 का स्कोर है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इनका रिकॉर्ड क्या है, इनको हम पकड़ सकते हैं चेस करते हैं दोस्तों, इनका एवरेज 21 का था और यहाँ पे फ्लॉप हुई है, फर्स्ट इनिंग 31 का एवरेज और यहाँ पर गाइस हाई स्कोर भी बना सकते, उम्मीदें कर भी सकते हैं कि हाईएस भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्लेयर जो आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग गाइस, तो इनमें से दोस्तों मैं एक प्लेयर को तो जरूर लेकर जाऊंगा अपने ग्रैंड लीग के गाइस, ठीक है आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे कि इनका हाईस है और यहाँ पे ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, 32% लोग टीम में रख रहे हैं, बाकी अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले बैटिंग करते गए तो मैं इनको अपने टीम में जीएल के ट्राई करूंगा गाइस। लेकिन यहाँ पे मैजिना कैप की बात कर लेते हैं जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम पेसर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने गए। अगर ओडीआई पारी की कुछ मैचेस की बात करते हैं 27+1 21+0 29+0 10+ जो कि 100+0 62+0 मतलब कि दोस्तों अगर आप इनको टीम में रखते हैं तो फिलहाल दोस्तों बैटिंग के फेवर में ही रखें कि ये रन बना करके देंगे। बाकी बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 5 मैचेस में अगर आप देख रहे हैं तो 1 ही विकेट है रिसेंट ओडीआई में, बट दोस्तों ये स्पेल पूरे के पूरे कराएंगे तो यार आपके पास एडवांटेज रहेगा, दोनों तरफ से पॉइंट देने के चांसेस रहेंगे। एंड अगेंस्ट आप देखेंगे 14 मैच में 163 रन 16 विकेट यहाँ पे, बट अगेंस्ट में जो है न्यूजीलैंड के ये रन नहीं बना पा रही ज्यादा, ठीक है ज्यादा रन नहीं बना पा रही बट विकेट इनको मिल रही है, ठीक है तो उम्मीदें करेंगे इस टीम में तो आपको रखना ही रखना है, और होप अगर आप 1-2 टीमों के साथ जाते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी रहेंगी क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग
बैटिंग दोनों हो रही है और साथ साथ पेसर है तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए एडवांटेज दे सकती है। फर्स्ट इनिंग 35 की ओर से बैटिंग करती है, 42 इनिंग 161 विकेट है। अगर ये पहले बॉलिंग कराएंगे तो फिर आप देखेंगे इनका कुछ अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, जो कि 35 में 61 विकेट। सेकंड 237 में की ओर से बैटिंग करती है और 37 इनिंग 131 विकेट है। आपने देखा रिसेंट इन्होंने बॉलिंग कराई, यहाँ पे एक ही विकेट है। अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराएंगे तो कुछ एडवांटेज के साथ भी ये विकेट निकाल सकते हैं। 96% लोगों का सिलेक्शन होगा कैप्टन वाइस कैप्टन भी लोग ट्राई करेंगे, बट अगर ये गुड प्लेयर है लेकिन दोनों तरफ से आपको पॉइंट देने के चांसेस रहेंगे तो फिर यार ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती का रिस्क लें ड्रॉप करने का, तो कोई वो फील करेंगे हमारी बेवकूफी होगी। ठीक है, स्लॉट रॉयन की बात करते हैं, राइट बैट्समैन स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, देखिए इनको भी आपको टीम में लेकर के चलना होगा क्योंकि रिसेंट अगर आप देखें 2 ओवर इन्होंने करा था स्पिनर ने एंड 71+0 विकेट। ठीक है, 70 रन की पारी 0 विकेट, 8 रन प्लस 2 विकेट, 88 रन की पारी बॉलिंग निकली 17 रन प्लस 0 विकेट की। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग और बैटिंग दोनों ये भी कर रही हैं एंड ऐसा नहीं कि इसकी पेसर को हेल्प मिल रही है तो पेसर को ही मिलेंगे, ऐसा होता नहीं। आपको पता है कुछ ही चुनिंदा मैचेस में हो जाता है, बट आपको क्या करना है कि स्पिनर को भी रखना है, बट स्पिनर पर थोड़ा सा कम भरोसा करके रखना होगा। अगेंस्ट देखिए 9 मैच में 126 रन 3 विकेट हो चुकी है, रिसेंट तो यहाँ पर विकेट नहीं मिली। बाकी अगर बात करें एवरेज की रन की तो बढ़िया रन इन्होंने बनाया था जो कि चेस करते हुए आपने देखा था एंड विकेट भी ठीक ही है, मतलब मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम रखेंगे। फर्स्ट इनिंग 31 की ओर से बैटिंग करती 42 में 14 विकेट, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती है, सेकंड में 30 की ओर से बैटिंग करती 32 रन 11 विकेट। 75% लोग टीम में रखेंगे और भाई दोनों को आपको लेकर तो चलना ही होगा क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिलती है, बट इनको स्पेल थोड़े से कम मिलते हैं, 2-3 ओवर मिलते हैं। यहाँ पर मर्जीना कैप को पूरे के पूरे 10 ओवर मिलते हैं, ये आपको समझने वाली बात बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाए अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नेडिन डी क्लर की बात करते हैं, ठीक है, जो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है ओडीआई का 58+2 विकेट, 60+1, 24+4 विकेट, 29+3 विकेट, 4+ भाई 1 विकेट। भाई ये प्लेयर ऐसी है कि आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएगी और अच्छी फॉर्म भी देखने को मिल जाएगी। अगेंस्ट भाई न्यूजीलैंड के पहला मैच था जिसमें आपने रिसेंट वाला देखा है और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग 18 की ओर से बैटिंग करती 17 इनिंग 226 विकेट है एंड सेकंड में बात करते 46 ओवर से बैटिंग करती 14 इनिंग 12 विकेट। 93% लोगों को अपनी टीम में रख रहे हैं, भाई क्यों ना रखें क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसा है। तो कहीं ना कहीं मर्जीना कैप और नेडिन डी क्लर्क को अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते गए तो दोनों तरफ से आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स रहेंगे क्योंकि यहाँ पे पेसर है वो भी पेसर है, 10 ओवर ये भी कराएंगे और वो 8 से 10 ओवर वो भी कराएंगे, तो फिर इन दोनों के साथ आप जा सकते हैं, पूरे के पूरे स्पेल भी कराएंगे और फिलहाल मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे बैटिंग भी इनको मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे सिरोला जाकर जो कि विकेट कीपर है, यहाँ पे सिलेक्शन इनका 12%, बहुत कम लोग टीम में रखेंगे और रिसेंट अगर देखेंगे तो बैटिंग और बहुत डाउन है, तो उम्मीदें थोड़ी सी कम करेंगे। 2 विकेट कीपर मिल रहे हैं इधर से दोस्तों और वहां से, ठीक है कैसे, तो 2 में से एक को ही रख लेंगे। बाकी अगर हम देखेंगे तो जैसे कि ये टीम कमजोर हो रहा है, बैटिंग लाइनअप इस टीम का कमजोर है, ठीक है टॉप ऑर्डर आपने देखा है, तो फिर उस टीम के विकेट कीपर को हम रखेंगे क्योंकि कैचेस वगैरह दोस्तों उस टीम के विकेट कीपर को मिल सकते हैं, है ना। टॉप ऑर्डर यहाँ पे दोस्तों कुछ खास है नहीं इस टीम का, इसलिए एंड ये फर्स्ट इनिंग 17 की ओर से बैटिंग करते, सेकंड दोस्तों 12 की ओर से बैटिंग करते, ध्यान रखना आपको। बाकी टीम में रखने की बात करके इसलिए सिलेक्शन 12% है, आप रख भी सकते हैं अगर कुछ कैचेस वगैरह मिलेगी दोस्तों तब, क्योंकि यहाँ पे नीचे बैटिंग इनकी आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे अयब होगा खागा की जो कि स्पिनर सॉरी पेसर बॉलर्स है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा एंड अगर बात करें रिसेंट ओडीआई 1 विकेट 1-2 1-2 0-1 अगेंस्ट 12 मैच में दोस्तों 19 विकेट हैं, ठीक है 12 मैच में 19 विकेट हैं और ये फर्स्ट इनिंग जब बॉलिंग कराती है 43 में 56 विकेट, सेकंड में 29 में 47 विकेट हैं। दोनों तरफ से अच्छी प्लेयर साबित हो सकते हैं आपके लिए क्योंकि रिसेंट भी कंसिस्टेंट है, 31% लोग टीम में रख रहे हैं, बट यार ये प्लेयर देखिए आपके लिए जीएल के लिए रहने वाला है। यार इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर के कोई जा रहा है 6-7 मैचेस में, ओनली 1 मैच में फ्लॉप है, भाई ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी टीम कहाँ जाएगी गाइस, ठीक है। तो इस प्लेयर को आपको रखना ही होगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे मैं वेटर क्लास की जो कि राइट हैंड मीडियम पेसर है, रिसेंट ओडीआई अगर हम देखेंगे इसको 3 विकेट 0-3 0-2 और यहाँ पे 0-2, ये मतलब ये प्लेयर ऐसी है गाइस कि आपको हाईएस्ट विकेट निकाल सकती है और यहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन की भी पिक कर सकते हैं। कब दोस्तों अगर बात करके देखिए इनका गेस 12 में 13 है और फर्स्ट इनिंग जब बॉलिंग कराती है 27 मैच दोस्तों 38 विकेट है, मतलब दोनों तरफ से आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है क्योंकि इनके पास वो अनुभव है गाइस क्योंकि हाईएस्ट विकेट ये निकाल रही है। अगर हम 6-7 मैचेस का परफॉर्मेंस जो ओडीआई का मैंने रखा है आप देख लीजिए 3 विकेट यहाँ पे भी 3 अच्छी विकेट गाइस कह सकते हैं। 64% लोग टीम में रख रहे हैं, बट दोस्तों अगर आप ट्राई करना चाहें तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप ट्राई करना चाहें दोस्तों ट्राई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट प्लेयर बन रही है इम्लाबा, ठीक है इनका रिसेंट ओडीआई परफॉर्मेंस कैसा है 0-1-3-1-0-0-0-0-1, तो मतलब कहीं ना कहीं गलती से विकेट मिलेगी गेस तो फिर मिल जाएगी, अदरवाइज मुश्किल हो सकता है। और कब मिलेगी इस वो बात करके देखिए गेस तो एक ही मैच है जिसमें 0 और ओवरऑल देखेंगे तो 9 मैचेस में 7 विकेट, फर्स्ट इनिंग इन्होंने बॉलिंग कराई थी, चेस करने में अगर सेकंड बॉलिंग कराती 10 में दोस्तों 5 विकेट हैं, मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। टीम सिलेक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे और दोस्तों आप लोग भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स का जो भाई बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भाई लोग कमेंट्स करते हैं कि यार आप बॉलिंग ऑर्डर नहीं बताते, ठीक है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही दोस्तों हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्टार्टिंग को देखिए मर्जीना कैप और यहाँ पे एक हाका, यह आपको स्टार्टिंग में नजर आएंगी
पाँच से छः दस वर्ष तक भी दोस्तों ये करा सकते हैं, बट पाँच छः तो कन्फर्म है कि यही दोनों कराने आएंगे। एंड अगर हम बात करें मिडिल पे, आपको मिलाबा मिल जाएगी, ट्रॉयन मिल जाएगी जो कि दोस्तों ऑलराउंडर है, मैंने आपको बताया स्पिनर है, उसके यहाँ पे क्लर्क मिल जाएंगे, ये आपको मिडिल ऑर्डर पर मिलेगी, मतलब कि दोस्तों 25 से 30 और फिलहाल 20 तक भी आपको ये कराते और दिखा सकते हैं। डेथ पे खाका और यहाँ पे क्लैश और यहाँ पे डी क्लर्क, ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी मेरे भाई ले लीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के जो ओपनर बैट्समैन रहने वाली यहाँ पे सुजी बैट्स और यहाँ पे एमएलए कर गए, ध्यान रखना आपको ये दोनों ओपनिंग करने वाली हैं। एंड सुजी बैट्स की बात करते हैं, रिसेंट दोस्तों ये फ्लॉप हुई है और दोस्तों आपको बता दूं न्यूजीलैंड ओपनिंग टीम ने रिसेंट जो है बैटिंग करी थी, ठीक है, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराई थी, ये आपको नोटिस करना है, ये आपको समझना भी है जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एंड अगेंस्ट 13 मैच दोस्तों 402 रन 30 के स्कोर से बैटिंग करती है, ग्राउंड पे आपको पता है दोनों टीम का पहला ही मैच होगा क्योंकि यहाँ पे अभी तक वुमेंस ओडीआई खेले नहीं है। एंड यहाँ पे फर्स्ट इनिंग 41 स्कोर से बैटिंग करती है, सेकंड दोस्तों 38 स्कोर से बैटिंग करती है, 96% लोग अभी भी टीम में रख रहे हैं। बट दोस्तों आपको ये वाली गलती नहीं करना कि अभी भी आपको टीम में रखना है, सभी भेड़ चाल चलेंगे तो हमको भी वही करना है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। दो टीम बनाते हैं तो फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं जब दोस्तों ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही हो तब, दोस्तों ठीक है, फर्स्ट इनिंग जब बैटिंग करेगी न्यूजीलैंड वुमेंस टीम तब आप इनको ट्राई करेगा, सेकंड में दोस्तों फिर से आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं अगर दो टीम बनाते गए तो। अगर एक टीम बनाते गए तो फिर आपको लेकर के चलना ही होगा क्योंकि भाई यहाँ पे हाईस्ट पारी देख सकते हैं 26 की, 51 की, 93 की, 51 की, 28 की और 63 की गई और अगेंस्ट भी बढ़िया बैटिंग करी। एक टीम में दोस्तों आपको लेकर चलना है और दो टीम बनाते गए तो एक टीम में चेस करते हुए ड्रॉप कर सकते हैं आप। एमएलए की बात करते गए जो कि स्पिनर बैट्समैन है, रिसेंट ओडीआई पारी 22+0, 19+0, 108+1, 40+0 और यहाँ पे 22 रन की पारी गई। तो ये कुछ मैचेस का परफॉर्मेंस मैंने रखा, मतलब बॉलिंग और बैटिंग दोस्तों इनको भी मिलती है। एंड जो हेड टू हेड के मैचेस के लिए 5 पैसे 82 रन है, 4 विकेट हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें थोड़ी बहुत करेंगे क्योंकि यार टीम में तो रखना है क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोस्तों दोनों मिलती है इनको। और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग 44 की बैटिंग करती है और यहाँ पे 26 रन दोस्तों 38 विकेट हैं, फर्स्ट इनिंग ये बॉलिंग कराएंगी। एंड सेकंड दोस्तों इनका जो एवरेज स्कोर रहता है 44 का हो जाता है, दोनों तरफ से ही बढ़िया कर रही है और 29 मैचेस दोस्तों 35 विकेट, मतलब अगर ये पहले बॉलिंग कराती है ठीक है तो थोड़ी बहुत उम्मीदें इनकी विकेट निकालने की ज्यादा रहेंगी क्योंकि रिसेंट अगर आपने देखा है कराई थी बट यार कोई विकेट नहीं मिली थी, बट उम्मीदें हम कर सकते हैं रखना है ये पहले, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। एंड 87% लोग टीम में रख रहे हैं, क्यों दोस्तों रखने को यार बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल रही है और पॉइंट्स भी आपको दे रहे हैं, यहाँ पर कोई रिस्क बनता ही नहीं ड्रॉप करने का। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे जो वन डाउन बैट्समैन है यानी सोफी डिवाइन जो कि टीम के कैप्टन भी है, राइट बैट्समैन, राइट मीडियम पेसर बॉलर भी है। अगेंस्ट अगर देखेंगे तो 5 मैच खेल चुके, 58 और 31 के स्कोर से बैटिंग करती है, 4 विकेट हैं। और ओडीआई की पारी बात करेंगे इस कुछ मैचेस की, 42 की पारी, 19+1, 127+1 और 30+1 और 5+1, अच्छी पारी खेल सकती है गाइस ये। और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 38 ओवर से बैटिंग करती है, 23 इनिंग में 23 विकेट है, सेकंड 42 ओवर से बैटिंग करती है, 14 इनिंग में 17 विकेट, मतलब बॉलिंग थोड़ा सा कम सही होती है इनकी गाइस। बाकी अगर बैटिंग की बात करें तो एवरेज स्कोर दोनों तरफ से बढ़िया लेकर चल रही है और दोनों तरफ से आपको एडवांटेज देगी बॉलिंग और बैटिंग से, तो यार कन्फर्म है आपको रखना ही रखना है। मैडी ग्रीन जो कि राइट बैट्समैन है, रिसेंट 5 रन बनाई है और हाईस्ट पारी बना सकती है कि नहीं, ऑब्वियसली बना सकती है, 59, 38, 48 और यहाँ पे 23, 18, ये आपके लिए कहीं ना कहीं ट्रंप भी साबित हो सकती है। दोस्तों 6 मैच खेले जो कि साउथ अफ्रीका के, इसमें 90 रन बना चुकी है, फर्स्ट थिंग 25 की ओर से बैटिंग करते हैं, सेकंड दोस्तों 25 और 17% लोग टीम में रख रहे हैं। ये प्लेयर दोस्तों आपके लिए स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए रहेंगे और ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तो रिस्की रहेंगे, अगर आप रिस्क लेते हैं गाइस तो यहाँ पे ये पारी जरूर देख सकते हैं। अगर इस प्रकार से इनका बल्ला चलता है गाइस तो बिल्कुल भाई आपको कोई छूने वाला नहीं होगा, आपकी टीम बिल्कुल ही भाई यूं होगी नहीं, ठीक है, ध्यान देना है आपको। लेकिन आगे बढ़ते गाइस यहाँ पे बात करते हैं जो जेजो प्लेयर गाइस, ठीक है, जो इनका रीसेंट फॉर्म आपने देखा है ये जो कि है 12 बना के आ रही है और अभी तक ओडीआई के भाई 4 मैचेस में इन्होंने बैटिंग करी, कुछ मैचेस में इनको बैटिंग नहीं मिली है। अगेंस्ट पहला ही मैच था, फर्स्ट इनिंग 20 के उसे बैटिंग करती है, अभी तक जितने भी मैचेस के लिए ये पहले ही बैटिंग कर रही है, 2% लोग टीम में रख रहे हैं। सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्यों रखना है क्योंकि मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये अभी तक देखेंगे आप 20, 10, 23, 17 कहीं ना कहीं हाईएस्ट पारी भी बना सकते हैं, मतलब उतने बुरे तरीके से दोस्तों ये आउट नहीं हुई है। दोस्तों इनको कब रखना है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक प्लेयर को यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैडी ग्रीन, अगर मैडी ग्रीन को ड्रॉप करते गए तो फिर आपके लिए यहाँ पे ये प्लेयर फ्लीमर, ठीक है, आपके लिए कहीं ना कहीं ट्रंप होगा। अगेन यहाँ पे ब्रूक हैलिडी की बात करते हैं, लेफ्ट बैट्समैन, रिसेंट अच्छी पारी 76 की, बाकी कुछ मैचेस की बात करते हैं 24, 29, 24। एंड देखिए यहाँ पे इनका समझिएगा क्योंकि अभी तक पारी नहीं आई थी, बट इनका अगेंस्ट भाई 2 मैच में 100 रन हो चुके, 50 के स्कोर से बैटिंग करते हैं, बैटिंग बढ़िया करती हैं। एंड 25 के स्कोर जो पहले बैटिंग करते हैं और सेकंड दोस्तों 19 के स्कोर से बैटिंग करती है, 35% लोग टीम में रखने वाले अभी भी गए। तो देखिए इनका सिलेक्शन थोड़ा सा हाई है, ठीक है, इनका सिलेक्शन हाई है गाइस। इस प्लेयर की बात करें गाइस तो इसको तो कंफर्म है कि आपको रखना ही रखना है क्योंकि दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के इसमें अच्छी बैटिंग करती है, 2 मैचेस में 50 के एवरेज स्कोर गाइस आप समझ सकते हैं काफी बढ़िया कह सकते हैं, काफी अच्छा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हैनर हो भी जो कि राइट मीडियम पेसर है गाइस, इनका भाई आप देखेंगे 2 विकेट रिसेंट मिल चुकी हैं, ठीक है, और कब मिली गाइस ये भी मैंने आपको बताया है। एंड उसके बाद हेड टू हेड 4 में 5 विकेट है
और 16 मैच दोस्तों 26 विकेट जब पहले बैट बॉलिंग करा थी, सेकंड 24 में 26 विकेट है, दोनों तरफ से बढ़िया 76% लोग टीम में रख रहे हैं। और इनका बॉलिंग ऑर्डर क्या रहेगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि या डेथ में आती है कि स्टार्टिंग में, दोस्तों डेथ और स्टार्टिंग दोनों में आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इस बिल्ला गेंद की बात करते हैं, विकेट कीपर एंड राइट बैट्समैन गाइस, मैंने आपको बताया कि देखिए दोनों विकेट कीपर जो कि दोनों तरफ से मिल रहेगा तो वो क्या है कि उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। देखिए इनसे पहले भाई बॉलिंग करने वाली बॉलर्स आ रही हैं खेलने के लिए तो यार कहीं ना कहीं ये बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगी। एंड यहाँ पर इनका जो स्कोर है 26-6-1, इन्होंने भी कई सारे मैच इसमें बैटिंग नहीं करी है, लेकिन पहला मैच था, उम्मीदें थोड़ी सी कम करेंगे यहाँ तक बैटिंग आने की, और अगर आती गई तो फिर कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा गाइस, ठीक है 90% लोग इनको रख रहे हैं। बट देखिए आप ये मान चले गए यहाँ तक, अगर मान लीजिए बैटिंग नहीं आती, ठीक है बैटिंग क्योंकि नीचे है भाई बैटिंग नहीं आती गई, तो आप उस विकेट कीपर सेक्शन के प्लेयर को लेकर के जा सकते हैं, दोनों का वही हाल है। अगर कैचेस वहां ज्यादा मिलेंगे तो आपके लिए वो ट्रंप हो जाएगा, क्योंकि आपने कई सारे मैचेस में दोस्तों नोटिस जरूर किया होगा कि यार जैसे कि यहां पे सभी लोग दोस्तों रखने वाले गैजे को, बट वहां पे उस प्लेयर को कोई नहीं रखते हैं, और उस प्लेयर को कोई रखता है तो अगर दो तीन कैचेस मिल जाते हैं उसको विकेट कीपर सेक्शन से तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम टीम में आ जाता है। ये आपको समझने वाली बात बता रहा हूं, ये तो होगी बात करते हैं। राइट मीडियम फास्ट पेसर है, 12% लोग टीम में इनको रख रहे हैं, और आपने देखा अभी ये सेकंड बॉलिंग कर रहा था 26 में 25 विकेट इनका रिकॉर्ड है और कोई विकेट इनको नहीं मिली है। आप दोस्तों देखिए जब पहले बॉलिंग कर रहती हैं तो इनका रिकॉर्ड क्या हो जाता है, 29 मैचेस में 50 विकेट, मतलब कि भाई इनको विकेट जरूर मिलती है, 1-2-3 उतने भी हाईएस्ट विकेट निकाल सकती है, यहाँ पे 4 विकेट ये निकाली हुई है ओडीआई के मैचेस में गए, ठीक है। तो जब भी पहले बॉलिंग करने गए, ठीक है पहले जब यहाँ पे न्यूजीलैंड वुमेन्स बॉलिंग कर रही तो भाई आपको रखना ही रखना है, आपके लिए ट्रंप साबित जरूर होगी। लेकिन यहाँ पे जेस कर की बात करते हैं, राइट मीडियम पेसर रिसेंट अगर देखें तो ये अच्छी कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रही है, हेड टू टीम में 4 विकेट, फर्स्ट इन 10 में 11, सेकंड में 14 में 19 गए, 84% लोग टीम में रख रहे हैं, आपको स्पिलर को भी रखना, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे जिसमें फर्स्ट इन न्यूजीलैंड वुमेन्स बॉलिंग कर रही होगी तो दोस्तों हम दोनों को भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है दोनों को भी हम रख लेंगे अपनी टीम में, क्या टीम रहेगा वो जस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पे एडन कर्सन जो कि ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट अगर ओडीआई की बात करते हैं जितने इन्होंने मैचेस करे 3 विकेट हाईएस्ट 0-2-0-1 अगेंस्ट, 1 मैच दोस्तों 1 विकेट है, और ग्राउंड पे आपको पता सभी मैचेस जो कि अभी तक नहीं खेले गए यहाँ पे सभी प्लेयर का पहला ही मैच होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग 1 में 3 विकेट है जब भी पहले बॉलिंग कराएंगे, सेकंड में दोस्तों 4 में 3 विकेट है, अभी सेकंड बॉलिंग करके आ रही है फिर भी इनको 1 विकेट मिलेगा, तो अगर ये पहले बॉलिंग कराएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए अच्छी पिक हो सकते हैं, 3% लोग दोस्तों टीम में रख रहे हैं इनको। अभी दोस्तों आपको इनिंग वाइज परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही समझना होगा टीम को बनाना होगा, ठीक है ये समझ सकते हैं आप लोग, फर्स्ट इनिंग में ये अच्छी हाईएस्ट विकेट भी निकाल सकती है, रिस्क पसंद है मेरे भाई आपको तो बिल्कुल आपने कर दीजिए अगर आप कुछ बड़ा जीतने के लिए सोच रहे हैं, तभी अदरवाइज यार बिल्कुल सेफ प्लेयर जो सभी लोग रखे हैं उनको ट्राई करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों आप बिल्कुल भूल जाइए आप लोग जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जो बॉलिंग ऑर्डर रहेगा, स्टार्टिंग में आपको जे कैर एल तो हो मिल जाएगी, डेथ में आपको एच सॉरी मिडिल पे आपको एच रोवे कैरसन और यहाँ पे एकर मिल जाएगी, डेथ में आपको एकर सोफी डिवाइन तुहू एंड यहाँ पे जे कर, ठीक है तुहू को आप देख सकते हैं, तुहू भाई डेथ में भी आ रहे हैं स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए विकेट इस मैच में जरूर निकल के देने वाली है। दोस्तों फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे जो आपने देखा भाई बॉलिंग ऑर्डर भी देख लिया, टीम का प्रीव्यू दोस्तों हमारा क्या रहने वाला, पहली टीम की बात करते हैं, देखिए सेफ अगर आप जाना चाहते हैं तो इस टीम से मेरे भाई आप लोग जा सकते हैं, दोनों 10-10 ओवर कराती हैं और भाई यहाँ पे बैटिंग मिल जाती है तो इस टीम से आप जा सकते हैं। बॉलिंग जिस कर और क्लास है यहाँ पे रोवे और ट्रायन को रखा, कैर को डॉल्ट सूजी वेट्स को रखा है और यहाँ पे गैजे को रखा है। अगर आप एक टीम से खेलते गए सेफ खेलना चाहते तो इस टीम से जा सकते हैं। एंड दूसरी टीम की बात करते गए यहाँ पे जब न्यूजीलैंड बॉलिंग करते हैं, ठीक है जब पहले बॉलिंग कराएगी तो फिर मैं यहाँ पे मैंने बताया कि तुहू को मैं रखूंगा और रोवे को फिर मैं टीम में रखूंगा, कैप्टन में बनाऊंगा। जे कर की बात करते हैं हम रख लिए एंडी क्लार्क और यहाँ पे ट्रायन कैर मैरिजन कैप्टन सोफी डिवाइन को वाइस कैप्टन कर देंगे इस मैच के लिए, ठीक है ये इस मैच के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है तो ट्रायन को भी आप यूज कर सकते हैं, बाकी गैजे को दोस्तों हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं दोनों टीम में। अगर यहाँ पे मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा इधर उधर करके जा सकते हैं, मतलब कि दोस्तों रोटेशन कर सकते हैं विकेट कीपर का, ठीक है ये दो टीम का प्रीव्यू है अभी फिलहाल के लिए। बाकी इनको भी दोस्तों आपको कन्फर्म कहाँ करना टेलीग्राम चैनल पर, तो मेरे भाई आप लोग बिना देरी करते हुए आ जाइए, ठीक है देर बिल्कुल मत करिए। अगर आपको विन करना है कमेंट सेक्शन और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है, आइए अगर आपको जीतना है, ठीक है। और फिलहाल टीम का प्रीव्यू मेरा देखिएगा और फिर टॉस वाला, बाकी दोस्तों मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया जिससे कि आप अच्छी एक यूनिक टीम खुद से भी बना सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।